इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि हम खुद की NFT कैसे बना सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में। इससे पहले हम जो भी NFT अपलोड करते थे उसको अपलोड करने में हमें 80 से 90 डॉलर देना पड़ता था, लेकिन आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि हम बिल्कुल फ्री में अपनी NFT को मिंट कर सकते हैं और हमें 4 चवन्नी भी नहीं देने की ज़रूरत। तो किसी भी NFT को बनाने के लिए, अपलोड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला तो हम किस वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हैं, और दूसरा हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें एक वॉलेट बनाना होता है। तो यहाँ पर हम जो वेबसाइट का यूज़ करेंगे जिस पर हम NFT अपलोड करेंगे वो OpenSea होगी, और हमारा जो वॉलेट होगा वो MetaMask पे होगा, क्योंकि ये दोनों जो है ये सबसे फेमस है वॉलेट के लिए, MetaMask और NFT अपलोड करने के लिए OpenSea। तो सबसे पहले हम लोग OpenSea पे चले जाते हैं, यहीं पे हमें वॉलेट बनाने का भी ऑप्शन होगा। तो OpenSea है ये, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि OpenSea द लार्जेस्ट NFT मार्केट प्लेस, हम इस पे आ जाते हैं। और इसके बाद से हम क्या करेंगे कि एक हमें वॉलेट क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले हम इस पे जाएंगे प्रोफाइल पे जाके हम प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पे क्लिक करते ही हमें आ जाएगा कि कनेक्ट योर वॉलेट। तो यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन आ जाएगा कि MetaMask पे वॉलेट हो सकता है, Coinbase पे वॉलेट हो सकता है, तो हम MetaMask को ही चूज़ करेंगे। सॉरी, यहाँ पर Coinbase चूज़ हो गया था, तो हम MetaMask को चूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम MetaMask पे आ गए। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट MetaMask की साइट पे लेकर आ गया, और हम गेट स्टार्टेड करेंगे। और अगर आपके पास पहले से वॉलेट है तो यहाँ पर आप वॉलेट इम्पोर्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास वॉलेट नहीं है तो आप यहाँ पर एक वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी फालतू चीज़ें हम इनको एग्री करेंगे, और हम कोई भी एक पासवर्ड चूज़ कर लेते हैं, और मैंने कर दिया ये अपना वॉलेट क्रिएट। तो यहाँ पर जो है मेरा वॉलेट क्रिएट हो गया, मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। और ये क्या कह रहा है, योर सीक्रेट रिकवरी फेस मेक इट ईजी टू बैक एंड रिस्टोर योर अकाउंट। ये कुछ है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका मैं भी एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया, और आगे चलते हैं हम। अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके वॉलेट में करोड़ों रुपए हैं और आपको ये फेस भूल गया है तो MetaMask वाले भी आपके पैसे आपको वापस नहीं कर सकते। तो आपको पहले तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इनको याद रखना है, और उसी सीक्वेंस में याद करना है जिस सीक्वेंस को मैंने अभी स्क्रीनशॉट में लिया था, जिस सीक्वेंस का मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इन सारे वर्ड्स को इसी सीक्वेंस में पुट करना है इसमें, इस बॉक्स में। तो सबसे पहले नंबर पर क्या था, रडार, उसके बाद से था सोन, उसके बाद था अबाउट, हमने इसको सही पुट कर दिया। अब हम इसको कंफर्म करेंगे, और कंग्रेचुलेशन, हमारा जो है वॉलेट ओपन हो गया है। ये जो है हमारा वॉलेट है, और हमारे वॉलेट का एड्रेस जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसको अगर हम यहाँ से कॉपी करें तो हमारा वॉलेट का एड्रेस कॉपी हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम वापस से OpenSea पर आएंगे, और हमारा वॉलेट यहाँ पर ओपन हो गया। ये हमारा वॉलेट इसमें अपलोड भी हो गया OpenSea में, और यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे, और हम कनेक्ट करेंगे, और ये हमारा कनेक्ट हो रहा है, और हमारा ये OpenSea पर अकाउंट प्रोफाइल खुल गया है। यहाँ पे हमें कोई अपनी DP लगानी हो तो हम कुछ DP लगा सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं इसी पेज का स्क्रीन शॉट लेकर इसकी DP लगा देता हूँ, तो इसकी DP कुछ ऐसे हो जाएगी, हमारी जो है यहाँ पर DP लग गई है, DP मतलब प्रोफाइल पिक्चर। अब अगर हमें कोई NFT क्रिएट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे इसी स्क्रीनशॉट की एक NFT डालनी है, इसी स्क्रीनशॉट को एज ए NFT अपलोड करना है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा क्रिएट में यहाँ पर एक पिक्चर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर मैं पिक्चर सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मेरी पिक्चर यही होगी, स्क्रीनशॉट जो है मेरा, और मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये वही स्क्रीनशॉट है। इसका हम कुछ भी नाम दे देंगे, नाम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं X, Y और Z नाम दे देता हूँ, और इसके डिस्क्रिप्शन में हम कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD, मतलब कुछ भी इसको स्पेसिफाई करें इस पिक्चर को। और उसके बाद से
अगर किसी कलेक्शन में ऐड करना है तो कर सकते हैं उसको, लेकिन यहाँ पर मैं उसको भगाऊंगा भगाऊंगा भगाऊंगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि हम इसको किस ब्लॉकचेन पे ऐड कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा जो है आजकल इथेरियम माना जाता है, लेकिन इसमें पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। अगर आपको बिल्कुल फ्री में करना है तो आप पॉलीगन पर जा सकते हैं। मैं यहाँ पर पॉलीगन पर आ गया हूँ और मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर कुछ मुझसे पूछ रहा है कि तुम इंसान हो या फिर रोबोट हो। तो मैं इसमें ट्रैफिक लाइट को सिलेक्ट करूँगा और मैं नेक्स्ट करूँगा। तो यहाँ पर आ गया यू क्रिएटेड एक्स वाई जेड NFT। तो हमारी NFT क्रिएट हो चुकी है। अब हमें इसकी प्राइस सेट करनी है। प्राइस सेट का ऑप्शन कहाँ आता है देखना पड़ेगा। हाँ, मैं सेल पे क्लिक करूँगा। अब इसकी प्राइस मतलब मैं इसको बेचूँगा 100 इथेरियम में, मैं इसको बेचने जा रहा हूँ। और कब तक आपको इसको लिस्ट करना है, कब तक के लिए आपको इसको बेचना है, मतलब एक डेट फिक्स कर दो कि उसके बाद से इसके बिकने का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने इसे कितने में बेचा है, 2,89,503 डॉलर में इसको मैंने बेचा है। सॉरी, ये इंग्लिश वालों की यही हालत होती है कि हिंदी में नंबर नहीं पढ़ पाते। अब हम इसको कंप्लीट लिस्टिंग कर देंगे और हमारी ये एनएफटी अपलोड होने वाली है। बस इसको अनलॉक करना है। अनलॉक करने के लिए बस ये ऑप्शन मांगता जाएगा, हम इसको यस सर करते जाएंगे। ये अनलॉक सेलिंग फंक्शन का ऑप्शन था, इसको भी हम अनलॉक कर चुके हैं। अब इसको भी हम अनलॉक करेंगे। हाँ, इसके भी हम साइन इन कर देंगे, ये भी अनलॉक हो जाएगा। बस जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आपको करते जाना है। और इसको भी हम स्विच कर देते हैं, अप्रूव, स्विच नेटवर्क और फिर साइन इन कर दिया। और यहाँ पे हमारी योर NFT इज लिस्टेड। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी भी एक NFT लिस्ट हो सकती है, वो भी बिल्कुल फ्री में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी जो NFT है ये अपलोड हो चुकी है, और मैं इस NFT का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, कि वहाँ पे आप क्लिक करके इसको देख भी सकते हैं। तो ऐसे आप बिल्कुल फ्री में कोई भी NFT अपलोड कर सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 ही मिनट का काम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, और आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। So thank you and subscribe for next video.